दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से पहले चरण में जहाँ जहाँ पर भी मतदान हुए और जिस तरीके से रुझान हम लोगों के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से रुझान मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने आ रहे हैं, तो एक तरफ जहाँ आपको लोजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी, उनके कार्यालय और व्यक्तिगत तौर पर उनके खुद के चेहरे पर जो एक निराशा का भाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि अगली सरकार जो हम लोग शुरू से कहते आए हैं लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी, वो बनना तय है। मौजूदा मुख्यमंत्री जी का प्रदर्शन, उनकी पार्टी का प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के हिसाब से अत्यंत निराशाजनक वाला होने वाला, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसमें 1% का भी अब कोई डाउट नहीं है। दूसरे चरण के प्रचार में जहाँ जहाँ पर भी मैं गया और जिस तरीके से भी लोगों में उत्साह और बदलाव के लिए जो उनके मन में मैंने एक दृढ़ संकल्प देखा, जिससे भी आप पूछिए, आप लोगों के माध्यम से भी, आप लोग जब बाइट्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब आप लोग पूछते हैं कि भैया क्या है, क्यों आप इस बार मतदान करेंगे, तो हर कोई पलायन को रोकने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, बदलाव के लिए, तो ये सारी टारगेट होती हैं सिर्फ एक ही दिशा में कि मौजूदा मुख्यमंत्री पलायन को रोकने में नाकामयाब रहे। मौजूदा जो मेरे ऊपर भी कटाक्ष करते हैं, जो मुझे ही भैया वोट कटवा मांगते हैं, तो मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जिन्होंने अपनी पार्टी को भी बर्बाद किया, जिन्होंने प्रदेश को भी बर्बाद किया। मेरा विश्वास है कि अगली भाजपा लोजपा की जो सरकार बनेगी उसका नेतृत्व जो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की सोच वाला व्यक्ति जो यहाँ पर नेतृत्व करेगा उसके साथ। आज की तारीख में तो बिहार भाजपा बताया ना कि अपना कौन सा एजेंडा ये लोग लागू करवा पाए। देखिए बिहार के जो प्रधानमंत्री है उनकी जो विकास की सोच है उस विकास की सोच पर बिहार भाजपा के कम से कम नेता काम नहीं कर रहे, ये बात स्पष्ट है। बिहार भाजपा के नेता अगर काम कर रहे होते तो 2017 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री रातों रात महागठबंधन छोड़कर आए तो सबसे पहले नया एजेंडा बनता, ना कि सात निश्चय के ऊपर काम हो रहा होता। और ये जो अगली सरकार के लिए जो ये लोग साथ में जा रहे हैं, पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जा रहा होता, ना कि मुख्यमंत्री जी का जो एजेंडा है सात निश्चय पार्ट टू, इसके ऊपर काम किया जाता। तो जो नई सरकार बनेगी भाजपा लोजपा की, उसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ कई और ऐसे एजेंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर जो अपनी बातों को रखेंगे उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। ने कहा कि भाजपा के इशारे पर आयकर विभाग के छापे हो रहे, तो जिस तरीके से इन लोगों ने भूमिका माननी शुरू कर दी है, परिणामों के बाद मुख्यमंत्री आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, बोलेंगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग के साथ गलत किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग को धोखा दिया, हम लोग को अपना साथ नहीं दिया, हम लोग को अपना समर्थन नहीं दिया, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे और हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी 2013-14 की वही कामना है कि मैं कैसे प्रधानमंत्री का दावेदार बनूं, महागठबंधन के साथ जाएंगे। 2024 में पुनः ये विपक्ष के सामने से ये आना चाहेंगे, विपक्ष की तरफ से ये आना चाहेंगे कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने फिर से ये किसी तरीके से प्रधानमंत्री का चेहरा बने। ये बात बिहार की जनता अब अच्छी तरीके से समझ रही है। बिहार की जनता, कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, भैया आप जमीन पर जाए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जहां पर लोजपा का प्रत्याशी है उसको जिताने का प्रयास कर रहा है, लोजपा का हर एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहा है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री अगर गलती से भी अगर कुछ सीटें जीत जाते हैं तो पहली इनकी च्वाइस होगी कि महागठबंधन की सरकार बनवाए, जिस तरीके से 2015 में इन्होंने सरकार बनाई थी, और उसके लिए उनको कितना भी बड़ा समझौता करना पड़े, क्योंकि अब इनका अगला लक्ष्य बन गया भैया 2024 प्रधानमंत्री बनने के, फिर से ये सपने देखने मौजूदा मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए, क्योंकि बिहार में अब इनको पता है कि अब इनका कोई वर्चस्व रहा नहीं, बिहार में इनका समर्थन रहा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता इनको लेकर आक्रोशित है, और अब ये कलाई खुलती जाएगी, अभी तो जांच की सिर्फ शुरुआत हुई। और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और विशेषतः आयकर विभाग का कि जो बात लोक जनशक्ति पार्टी एक लंबे समय से उठाती रही है, कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, और अभी तो दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अभी तो देखिएगा नीचे 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 जब परत दर परत जब खुलती जाएगी और इस जांच की आज मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है मुझे।
संभव ही नहीं है कि बिहार के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला हो, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और आपको जानकारी नहीं हो। मुख्यमंत्री जी, बिहार की हर एक जनता गांव में बैठे हुए किसी आप आदमी से पूछेंगे तो बताएंगे कि नली गली में कैसे 40% कमीशन मांगा जा रहा है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति बताएगा कि भैया 40% 50% कमीशन पे कैसे काम हो रहा है, नशा किए हैं ये तो बताइए। 5 साल में आपने विपक्ष के साथ भी आप मुख्यमंत्री रहे, सत्ता पक्ष के साथ भी आप मुख्यमंत्री रहे, इन 5 साल की एक उपलब्धि बता दें मुख्यमंत्री। आज जब उनके प्रत्याशी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता उनसे 5 साल का हिसाब मांगेगी कि नहीं मांगेगी, या सिर्फ यही है दिखाते रहेंगे कि 15 साल पहले ये था, 15 साल पहले वो था। भाई नहीं पता आज के फर्स्ट टाइम वोटर को कि 15 साल पहले क्या था, ना उसको पता है ना उसको कोई फर्क पड़ता है। मैं खुद 38 साल का हूं, बट ईमानदारी की बात है 90 के दशक की धुंधली यादें हैं मेरे दिमाग में। जब से मैंने वोट करना शुरू किया या जब से मुझे चुनाव की समझ हुई, जानकारी हुई, तो मैं तो आप ही को मुख्यमंत्री बना हुआ देख रहा हूं। जब मैं मुंबई में था, जब मैं वहां पर जब मैं काम कर रहा था, जिसको लेकर आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी आजकल आप करते हैं, जब मैं वहां पर काम कर रहा था तो वहां पर मुझे बिहारी के तौर पर अपमानित किया जाता था। उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री आप थे, 2005 से लेकर 2020 तक निरंतरता में आप मुख्यमंत्री रहे, भले गठबंधन महागठबंधन हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में अगर बिहारी बिहार के बाहर बदनाम हो रहा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? फिर आप बोलते कि भैया लालू जी के वक्त अस्पताल नहीं बने, तो लालू जी के वक्त ये नहीं बने, आपके वक्त क्या क्या बना आप उतना तो बताइए, क्यों आपके वक्त बिहार बदनाम हो रहा है? मेरा जो अनुभव है या मुंबई में जहां पर बिहारियों के ऊपर लाठियां चली हैं, तो वो तो आपके रहते हुए चली थी ना जब आप यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, या कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त जितने लोग प्रताड़ित हुए, जितने लोग परेशान हुए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल जो चलकर आए, तो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के आप थे जब आपने उनकी बातें सुनने से मना कर दिया और शर्मनाक बयान आपने दिया कि किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। मेरे बच्चे जब वहां पर कोटा में बैठ के जब रो रहे थे, बिलख रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनने से मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया कि भैया नहीं बच्चे नहीं आएंगे, और वहीं इनके मंत्री टपाटप गाड़ियां भेज भेज के अपने बच्चों को वापस ला रहे थे। इस तरीके से भेदभाव की राजनीति करते हैं मुख्यमंत्री। आपके मंत्रियों के लिए अलग सुविधाएं और बिहार के बच्चों के लिए अलग मापदंड होता है। आज मुख्यमंत्री बोलते हैं हम तो इतना विकास किए, इतना विकास किए, तो भैया विकास दिखता क्यों नहीं है जमीन पर? क्यों बिहार, क्यों दिल्ली, मुंबई, ये सब चमचमाते शहर बनते गए, क्यों बिहार अभी तक पिछड़ा है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार में आज की तारीख में। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, बीपी तक जांचने की मशीन अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं है, और आप बोलते हैं कि हम इतना काम किए, इतना काम किए। अगर इतना काम किए तो आज जब आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके नेता, आपके सांसद, हम लोग तो बहाने नहीं मार सकते ना कि भाई 15 साल पहले कहां रांची जाएगी आप पूछने की 15 साल पहले क्यों नहीं हुआ, कहां जाए? एक अनन्य मार्ग से नहीं पूछा जाएगा तो कहां से पूछा जाएगा? तो मुख्यमंत्री पिछले 5 साल पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अगले 5 साल बहानी चाहिए। एक पुत्र को अपने पिता के बारे में इस तरीके की बातें जो लोग कह रहे हैं, बहरा माझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि माझी जी स्पष्ट करें कि क्या मेरी उनसे फोन पे बात नहीं हुई थी। माझी जी जब पापा अस्पताल में थे, माझी जी का फोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी, और बताए माझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फोन पर, और उनसे बात करते करते मेरा गला भी भर आया था जब मैं उनसे बात कर रहा था। पूछेगा माझी जी से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, और माझी जी को स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, स्थिति ज्यादा खराब है, स्थिति नाजुक है। और उसके बाद क्या किया माझी जी ने? आज जो उनके प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को या माझी जी को जो इतनी चिंता हो रही है, क्या उसके बाद दोबारा कभी माझी जी ने फोन कर उनके हालचाल जानने की कोशिश की? क्या माझी जी दिल्ली आए उनसे कभी मिलने के लिए? क्योंकि ये उस वक्त की बात है, उसके बाद भी पापा कम से कम हफ्ता 10 दिन, दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट उसके बाद भी पापा हफ्ता 10 दिन कम से कम अस्पताल में थे, जीवित थे। उस दौरान क्या किया माझी जी ने, और आज इस तरीके से बात कर रहे हैं, इतनी चिंता उस वक्त क्यों नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है, जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त, क्यों नहीं माझी जी आए उस वक्त मिलने? मुख्यमंत्री ये बताएं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री क्या करना चाह रहे हैं, आने वाले 5 साल में मुख्यमंत्री जी का एजेंडा क्या है, और पिछले 5 साल के आधार पर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार पर उतरे। ये व्यक्तिगत हमले, ये जो निजी टिप्पणियां जो मुख्यमंत्री ने एक अपनी कार्यशैली का हिस्सा बना लिया, उससे मुख्यमंत्री जी बचे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं जब वो निजी हमले करते हैं, या उनके सहयोगी जब इस तरीके के निजी हमले करते हैं तो मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं। मुख्यमंत्री अगर काम किए हैं, विकास किए हैं और हिम्मत है तो आए ना भैया, चिराग पासवान तैयार है। किसी भी मुद्दे पर मैं खुली चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी किसी भी विषय पर मुझसे बहस करना चाह रहे हैं, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए।
आप चूज कीजिए एजेंडा, जो आपको एजेंडा चूज करना है। आपको पिछले 15 साल में विकास पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए मेरे साथ। आपको आने वाले 5 साल पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बेरोजगारी पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बिहारी बस विजन डॉक्यूमेंट आपको बर्बाद लगता है, आप उस पर कर लीजिए। जिस भी एजेंडा आप एजेंडा समय जगह आप चुनिए, मैं तैयार हूं आपके साथ सार्वजनिक चर्चा करने के लिए। पर मुख्यमंत्री बताएं तो, सिर्फ निजी हमले करने से, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से, हम तो इतना काम किए, हम तो इतना विकास किए, भाई जनता भी तो बोलनी चाहिए कि आप क्या काम किए, क्या विकास किए। और अंत में हमले, मुख्यमंत्री 15 साल से निरंतर एक सुशासन बाबू का, एक जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन का चोला पहनकर घूमते रहे 15 साल से। आज 15 साल में उन्होंने बिहार को कितना लूटा, एक एक करके अब उसकी कलाई खुलने लगी है। जिस तरीके से 7 निश्चय के ऊपर आयकर विभाग के द्वारा यहाँ पर छापे मारे गए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नकदी यहाँ से बरामद हुई, इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है देने के लिए। मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध चुके हैं इन चीज़ों पर। मुंगेर में इतनी बड़ी घटना होती है, वहाँ पर दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है, भाई मुख्यमंत्री एक बार आके जवाब तो दें कि किसने निर्देश दिए, किसके आदेश पे गोली चली। आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं, क्या आपके निर्देश के बिना SP साहिबा वहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे देंगे? आपके द्वारा ये आदेश दिए गए, आपके कार्यालय के द्वारा आदेश दिए गए, किसके आदेश में वहाँ पर गोली चलाई गई दुर्गा भक्तों के ऊपर, इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री। पर जब ऐसी कोई बातचीत होती है, ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते भ्रष्टाचार को लेकर, एक शब्द नहीं बोलते जो इस तरीके से मुंगेर पे गोली चली दुर्गा भक्तों के ऊपर, कोई शब्द नहीं भ्रष्टाचार के ऊपर। 7 निश्चय पर लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निरंतर हम लोग 7 निश्चय में हुए भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ। नली गली की बात हो, जिस तरीके से नल जल योजना की बात हो, हम लोग शुरू से इस विषय को हम लोग उठाते रहे हैं। और इस विषय को आज से नहीं, चुनाव है सर पर, इसलिए नहीं, मैंने साल सवा साल पहले जो बिहार बस बिहारी बस यात्रा मैंने शुरू की थी, उस दौरान जब लोगों ने मुझे दिखाया कि भैया देखिए अच्छी खासी सड़क यहाँ पर, फिर भी ठीक जानते हैं सबके नाम उनको बताए, अभी 10 नवंबर को भी समय कितना हो गया, 10 नवंबर को सारी बात समझ में आएगी। और जिस तरीके से एक बात और ना बोले, जिस तरीके से प्रशासन भी हम लोग के साथ भेदभाव कर रहा है, ये बात भी मैं बताऊं, कल नालंदा में आज सारी जगह अखबारों में भी छपा है कि कल नालंदा में जिस तरीके से लास्ट मिनट, भाई मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कैसे मुख्यमंत्री अपना गृह जिला को हारते हुए देख सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रशासन मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ पर काम कर रहा है, हम लोग को जानकारी है, EVM मशीन की भी हम लोग को जानकारी है, हम लोग जिस तरीके से प्रशासन EVM में भी गड़बड़ी के, जिस तरीके से संदेश हम लोग के पास आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग को मीटिंग करने से परमिशन मिलने से, वहां पर सभाएं करवाने से, जिस तरीके से प्रशासन मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहा है, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन भी इन तमाम बातों को गंभीरता से ले। और एक बात बस आपको जरूर स्पष्ट करकर, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेताओं से एक बार जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि अगली सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो किसका लागू होगा, क्योंकि 19 लाख का वादा भाजपा ने भी किया जो कि 7 निश्चय में इन्वॉल्व नहीं है। तो भाजपा का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है कि 7 निश्चय पार्ट 2 मुख्यमंत्री जी का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है, कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा, ये मैं बिहारी होने के नाते समझ नहीं पाया हूं। तो मुख्यमंत्री जी से और सुशील मोदी जी से, भाजपा के किसी भी नेता से ये बात भी जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि मैनिफेस्टो किसका लागू होगा। धन्यवाद। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।